हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आपका फिर से नए वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं यशपाल जी का लेखक परिचय। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं, हम लोग देख लेते हैं आज की वीडियो में लेखक यशपाल का दोस्तों लेखक परिचय। तो दोस्तों सबसे पहले हेडिंग है इनकी जीवन परिचय। दोस्तों यशपाल जी का जन्म, दोस्तों यशपाल जी का जन्म 3 दिसंबर 1903 को पंजाब स्थित फिरोजपुर छावनी में हुआ था। और दोस्तों उनके माता पिता का नाम हीरा लाल और माता का नाम प्रेम देवी था। और दोस्तों फिरोजपुर से मैट्रिक प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण करने के बाद लाहौर के नेशनल कॉलेज से बीए की शिक्षा ग्रहण की। और दोस्तों वहीं उनकी मुलाकात भगत सिंह और सुखदेव से हुई। दोस्तों स्वाधीनता आंदोलन में भाग लेने के कारण उन्हें जेल यात्रा करनी पड़ी। और दोस्तों इनकी मृत्यु 26 दिसंबर 1976 को हो गई। दोस्तों अगर हम लोग इनकी रचनाओं की बात करें तो दोस्तों इनकी रचनाएं निम्नलिखित हैं। सबसे पहली जो इनकी रचनाएं कहानी संग्रह और ज्ञानदान और दोस्तों पिंजरे की उड़ान, तर्क का तूफान व दुलिया, और दोस्तों धर्मयुद्ध, फूलों का कुर्ता, उत्तराधिकारी, चित्र का शीर्षक, और दोस्तों इनकी जो रचना है कि सच बोलने की भूल, और उत्तमी की माँ आदि। दोस्तों ये सब इनकी रचनाएं हो गई। अब हम देख लेते हैं इनके निबंध। तो दोस्तों इनने जो निबंध लिखे हैं वो है दोस्तों न्याय का संघर्ष, बात बात में, चक्कर क्लब, देखा समझा आदि। अब देख लेते हैं हम कि इनके उपन्यास। तो दोस्तों झूठा सच, अमिता दिव्या, पार्टी कामरेड, दादा कामरेड और मेरी तेरी उसकी बात आदि। अब इनकी संस्मरण की बात करें तो दोस्तों सिंहावलोकन, दोस्तों गांधीवाद की शव चिंता। नाटक की बात करें दोस्तों नशे नशे की बात, रूप की पराग और दोस्तों गुड़बाई दर्दे दिल। भाषा शैली इनकी कुछ इस प्रकार से है कि दोस्तों यशपाल जी की भाषा में स्वाभाविकता, सजीवता है। और दोस्तों उनकी भाषा अत्यधिक सरल, सहज और पात्रानुकाल तथा भावी व्यक्ति की में समर्थ है। और दोस्तों उनकी शैली वैज्ञानात्मक और दोस्तों संवाद प्रधान तथा प्रभावपूर्ण है। दोस्तों भावों की प्रभावी अभिव्यक्ति के लिए उर्दू और अंग्रेजी शब्दों का भी प्रयोग किया गया है। अगर हम दोस्तों हम लोग साहित्य में स्थान की बात करें तो दोस्तों साहित्यकार यशपाल की रचनाओं पर माकर्षवाद का प्रभाव स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। और दोस्तों उनकी रचनाओं में आम आदमी के सरोकारों की उपस्थिति है। और दोस्तों बे यथार्थवादी शैली के विशिष्ट रचनाकार हैं। और दोस्तों सामाजिक विषमता, राजनीतिक पाखंड और रूढ़ियों के खिलाफ उनकी रचनाएं मुखर हैं। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आप लोगों को यशपाल जी का लेखक परिचय समझ में आएगा। वीडियो पसंद आएगी भी, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर सब्सक्राइब ना भूलें। चलिए दोस्तों हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक इसका जय जय भारत।